हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। इससे पहले होमियोस्टेसिस के बारे में बात कर चुके हैं, उसका कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है वो आप बात कर चुके हैं। आपको भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अपने चैनल पे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, तो उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म, जो अपना कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ क्या बात कर रहे थे अपन कंट्रोल सिस्टम की, तो उसी को बोलते हैं अपन फीडबैक मैकेनिज्म। जो कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है, जो भी प्रोसेसेस है उनको मेंटेन रखता है। तो इट इज ऑफ टू टाइप। ये कितने टाइप का देखने को मिलेगा अपने को, मैकेनिज्म टू टाइप्स का देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये दो टाइप्स के अपने को देखने को मिलेंगे। देन कह रहा कि बोथ आर इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन बॉडी में दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव भी इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव भी इंपॉर्टेंट है, फॉर मेंटेनिंग इंटरनल प्रोसेसेस। मीन्स किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इंटरनल प्रोसेसेस हो रही है, जो भी ब्लड शुगर लेवल है, बॉडी टेम्परेचर है, बेबी बर्थ के टाइम जो भी प्रोसेस हो रही है, वो सारी प्रोसेसेस इसी फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही फॉलो होगी। पिछली वीडियो के अंदर तो आपने नेगेटिव फीडबैक की बात कर ली थी, अभी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी आप बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पिछली वीडियो के अंदर आप नेगेटिव फीडबैक की बात की थी ना, तो अभी आप बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये देखो, नेगेटिव क्या कर रहा था, कोई भी स्टिमुलस था उसको, जो भी कोई भी प्रोसेस थी उसको अपोज कर रहा था, लेकिन ये क्या करेगा, उस स्टिमुलस को इंक्रीज करेगा। इट मींस कोई भी प्रोसेस हो रही तो उसको ये हवा देगा, और पहले वाला आग बुझा रहा था और ये आग को बढ़ावा देगा, वो कंसेप्ट है यहाँ। ये क्या है, रेयर बट इंपॉर्टेंट भी है, बहुत कम आपको पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा बट इंपॉर्टेंट भी है। जैसे पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल की बात की जाए तो चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लोटिंग, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल। अभी चाइल्ड बर्थ के बारे में आप बेसिक सी बात करेंगे, ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक का। पॉजिटिव फीडबैक डायरेक्टली क्या करेगा, उस चीज़ को बढ़ाएगा और नेगेटिव उसको डिक्रीज करेगा और नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। अभी पॉजिटिव में बात करते हैं चाइल्ड बर्थ, बेबी बर्थ के टाइम स्टिमुलस क्या होगा, स्टिमुली क्या होगा, सबसे फर्स्ट फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर, लेबर पेन होगा, उस टाइम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उस टाइम क्या होगा, जो स्ट्रेच सेंसिंग सेल्स है, क्या है, स्ट्रेच सेंसिंग सेल्स, इसको डिटेक्ट करेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब इसके भी बेबी बर्थ का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो अभी क्या होगा, एक कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। यहाँ कंट्रोल सेंटर क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसके पास मैसेज आएगा और ये बोलेगा अभी ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दो। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो भी प्रोसेस हो रही है उसको बढ़ा देगा, जो भी ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रही थी, इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को बढ़ा देगा। अगर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ेगी, जब जो भी बेबी है और उसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स के कारण फिर बेबी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट अपने को यहां देखने को मिलेगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, बढ़ाएगा, और नेगेटिव इसको घटाएगा। ये कंसेप्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। बॉडी के अंदर पॉजिटिव फीडबैक कम देखने को मिलेगा और नेगेटिव फीडबैक ज्यादा देखने को मिलेगा। ये है छोटा सा कंसेप्ट पॉजिटिव फीडबैक का। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।